हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हो गए क्योंकि आज जो लेक्चर है वो ट्रायंगल से रिलेटेड एक बेहतरीन चीज है। यानी कि आपने कल ट्रिपलेट निकालना सीखा था, यानी कि एक टाइप का ट्रायंगल आपने सीखा था सिर्फ 90 डिग्री वाला, यानी राइट एंगल ट्रायंगल, यानी जिसको हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। आज क्या चीज है? आज जो उस तरफ वाली चीज थी, यानी कि भाऊ समबाहु विषमबाहु और समद्विबाहु, आज हम उस पर चर्चा बैठाएंगे। यानी क्या क्या चीजें होंगी, तो आप बहुत ही वजह तरीके से आप इसको समझिएगा। आइए हम ब्लैक ले लेते हैं। हमने कहा था भाई कि टाइप ऑफ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल के हमने भुजाओं के आधार पे जो हमने वर्गीकरण किया था, दैट इज समबाहु, ठीक है भाई, और समद्विबाहु। और एक लास्ट वाला था विषमबाहु। क्लियर है? ये तीनों चीजें थी। तो याद रखिएगा, जब ये तीनों चीजें हैं तो मेरे भाई अब आपको सबसे पहले इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, फिर इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, फिर इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो मेरे भाई समबाहु का मतलब क्या होता है, याद रखना मेरे दोस्तों। समबाहु का मतलब, जैसे मान लीजिए मैंने अगर ये ट्रायंगल बना दिया, ये वाला ट्रायंगल, तो अगर मैंने आपसे कह दिया भाई इस ट्रायंगल का नाम ए है, बी है और सी है, और मेरे भाई ये सारी भुजाएं आपस में बराबर हैं, क्लियर है, और अगर सारे कोण आपस में बराबर हैं, सारी भुजाएं आपस में बराबर, सारे कोण आपस में बराबर, तो ऑटोमेटिकली ये 60-60 डिग्री का एंगल बनाएगा, 60-60 डिग्री का एंगल बनाएगा, क्लियर है, 7-8 डिग्री का। जब ये चीजें इन प्रॉपर्टी को फॉलो करती है, यानी सारी भुजाएं आपस में बराबर, सारे कोण आपस में बराबर, प्रत्येक कोण 60 डिग्री, तो ये होगा आपका क्या, समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज में क्या क्या पूछा जाता है मेरे भाई, समबाहु त्रिभुज में आपसे पूछा जाता है, जैसे मैं ये चीजें इरेज कर रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक इन्फॉर्मेशन, या फिर मैं इसको छोटा करके और भी डाल देता हूँ, ये मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। और मुझे क्या करना है, मुझे एक और समकोण मतलब समबाहु त्रिभुज बना देना है। तो इसमें आपकी क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी भाई साहब, इसमें आपसे पूछ सकता है कि इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, व्हाट इज द एरिया, क्या पूछ सकता है, एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, मतलब अगर ये ए बी सी कुल मिला के हो तो इसका एरिया क्या हो सकता है। तो मेरे भाई हमेशा याद रखना, इसके एरिया का जो फॉर्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है √3/4 upon a square। यही पूछा जाएगा ये चीज। और दूसरी चीज क्या पूछी जा सकती है इससे रिलेटेड, भाई मेरे दूसरी चीज ये पूछी जा सकती है इससे रिलेटेड, वो क्या है वो भी लिख देता हूं भाई, इस वाले यानी हाइट पूछी जा सकती है, हाइट, H-E-I-H, हाइट ऑफ ट्रायंगल, भाई ट्रायंगल की हाइट पूछी जा सकती है। तो ट्रायंगल की हाइट जब पूछी जा सकती है तो ट्रायंगल की हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2 into a, ये होता है इसका फॉर्मूला, याद रखिए। ये समबाहु त्रिभुज का होता है, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसको हम कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये इसका फॉर्मूला होता है, क्लियर। अब सर जी आप कहेंगे, मान लीजिए सर जी हमारे सामने अगर समद्विबाहु है, समद्विबाहु है, या सर जी हमारे पास विषमबाहु है, और इसका अगर आपसे भाई साहब, अगर इसका आपसे क्या पूछ लिया जाए, इसका आपसे एरिया पूछ लिया जाए, और एरिया पूछ लिया जाए, तो मेरे भाई याद रखना, हमेशा ट्रायंगल कोई भी हो, ट्रायंगल कोई भी हो, यानी किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, उसका फॉर्मूला होता है 1/2 × आधार × ऊंचाई। ये होता है बेसिक फॉर्मूला ट्रायंगल का एरिया निकालने का, याद रखना, ठीक। आप कहेंगे सर जी अगर ये ना दिया हो तो क्या होगा, तो मेरे भाई उसके बाद एक फॉर्मूला आता है जिसको हम कहते हैं हेरोंस फॉर्मूला। क्या कहते हैं? हेरोंस फॉर्मूला, हेरोंस फॉर्मूला। अब हेरोंस फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, हेरोंस फॉर्मूले से भी हम ट्रायंगल का क्षेत्रफल ही निकालते हैं, और ट्रायंगल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। आप ए बी सी को तो जानते होंगे, ए बी सी क्या होता है, जैसे मैं ये ट्रायंगल मैंने यहीं पे बनाया था छोटा सा, ठीक। तो भाई मेरे
ये ए था, ये बी था, ये सी था। तो इस भुजा की लंबाई ए, इस भुजा की लंबाई बी, इस भुजा की लंबाई सी। दैट मीन्स ए बी सी का मतलब था इनकी भुजाओं की लंबाई। तो एस क्या है मेरे भाई? एस बराबर होता है, याद रखना, एस बराबर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। दैट मीन्स अर्ध परिमाप या सेमी पैरामीटर कहते हैं इसको। एस को क्या कहते हैं? सेमी पैरामीटर। यानी ए प्लस बी प्लस सी बाई टू का मतलब सेमी पैरामीटर ऑफ ए ट्रायंगल। तो सेमी पैरामीटर इंटू सेमी पैरामीटर माइनस ए, सेमी पैरामीटर माइनस बी, सेमी पैरामीटर माइनस सी। यानी अर्ध परिमाप में से सारी भुजाओं को हम घटाते फिर मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। तो ये होता है मेरे भाई विषम बाहु या फिर समद्विबाहु ट्रायंगल के क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। क्लियर है? सभी को क्लियर हुआ? और कोई ऐसे ही कोई ट्रायंगल दे दिया गया जिसकी ऊंचाई और आधार मुझे पता है, चाहे वो समकोण त्रिभुज क्यों ना हो, वो भी चीज हम कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। क्लियर? अब हमें सीधे सीधे सवालों पे चलना, बाकी और सारी चीजें, ट्रायंगल आपका यही खत्म होता है, यानी कि ट्रायंगल से जितनी चीजें थे वो क्लियर हो गई हैं। अब परिमेय वगैरह ट्रायंगल से वो आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगी, लेकिन सबसे पहले आप इसको सवालों को देखिए। सवाल देखिए, पहले सवाल शुरुआत करते हैं मेरे भाई। सबसे पहली चीज ये चीज नहीं है, यानी आपको सिर्फ ट्रायंगल का निकालना है। ये ट्रायंगल है एक, और ट्रायंगल की दो भुजाएं दी गई हैं 5 और 12। तो मेरे भाई आपने ट्रिपलेट पढ़ा है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भैया, यानी कल ही मैंने आपको पढ़ाया था कि 5, 12 और 13 क्या बनाते हैं? ट्रिपलेट बनाते हैं। जब 5, 12, 13 ट्रिपलेट बनाते हैं तो ये कौन सा त्रिभुज है? सर जी ये त्रिभुज है समकोण। कौन सा मेरे भाई? समकोण। याद रखिए 13 जो होगा आपका बड़ी भुजा होगी, 5 और 12 आपकी छोटी छोटी भुजाएं होंगी। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं? आप ये बात जानते हैं, इसको हम कहते हैं ऊंचाई। क्या कहते हैं इसको? ऊंचाई कहते हैं। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल बताइए, तो हमने आपसे कहा था कि भैया क्षेत्रफल निकालने का एक फॉर्मूला होता है 1/2 आधार और गुणा ऊंचाई। समझ रहे? आधार और ऊंचाई। तो 1/2 आधार क्या भाई? जिसपे कोई ट्रायंगल खड़ा है, तो दैट इज 12। और ऊंचाई क्या है मेरे भाई? 5। तो 12 × 5 = 60, 60/2 इसका मतलब 30 सेंटीमीटर। इसके तो भैया इस ट्रायंगल का बताइए क्षेत्रफल क्या हुआ? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, चलिए अगला सवाल। हर सवाल एक टाइप वाइज सवाल रखे गए हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो पढ़ने में, कोई दिक्कत ना हो समझने में, कोई दिक्कत ना हो, और आपकी डाउट भी क्लियर हो जाए कि अगर ऐसा ट्रायंगल आए तो क्या करूंगा, ऐसा ट्रायंगल आए तो क्या करूंगा। एक ही सेशन में सारे ट्रायंगल के ऊपर जो भी क्षेत्रफल से रिलेटेड सवाल बनते हैं वो मैं यही पे सॉल्व करा दे रहा हूं। ठीक है, आइए। कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो यदि उसकी भुजा 18 सेंटीमीटर है। तो भाई समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है √3/4a². समझ गए भाई? √3/4a² का मतलब a यानी भुजा, 18 × 18। समझ रहे हैं भाई? 2 से काटा तो 9 हुआ। अब आप जानते हैं कि 9 = 81 √3। तो क्षेत्रफल क्या निकल गया? क्षेत्रफल क्या निकल गया मेरे दोस्तों? 81 √3। क्लियर है भाई? चलिए, ये समबाहु त्रिभुज हो गया। एक सवाल और दे दिया, देखो भाई बहुत ही प्यार से कह रहा भाई किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब कह रहा क्षेत्रफल इतना दे दिया गया, क्षेत्रफल आपको दे दिया, अब कह रहे भुजा बताओ। तो भैया आपको पता है कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? फार्मूला लिखो, क्षेत्रफल बराबर √3/4, ठीक है जी, √3/4 a². तो क्षेत्रफल आपका दे दिया भाई 16, √3/4 a², √3 गया इधर जाएंगे तो भैया ए स्केयर की जो वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगी 16 × 64। एक की वैल्यू क्या जाएगी मेरे भाई? एक की वैल्यू जाएगी 8 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है इस त्रिभुज की भुजा बताइए। भैया त्रिभुज की भुजा क्या आ गई? 8 सेंटीमीटर। क्लियर है? चल बहुत ही। नेक्स्ट कह रहा है किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं क्रमशः 9, 40, 41 है। मेरे भाई 9, 40, 41 जैसे ही आपको दिख जाए ना तो आपका दिमाग तुरंत पहली क्लास पे जाना चाहिए, पहली क्लास पे तुरंत, कि भैया 9, 40, 41 तो ट्रिपलेट है, और ट्रिपलेट है तो भाई ये एक समकोण त्रिभुज बनाता है। यानी कि सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी कर्ण मेरी, इसके बाद ये हो गया 40, ये हो गया 9। तो मेरे भाई समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? भैया किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार आपका 40, ऊंचाई आपका 9। तो भाई यहां से काट दिया, हो गया 20। दैट मीन 180 सेंटीमीटर। क्लियर है आपको? 180 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, याद देखिए। अब यहां पे ना ये समकोण त्रिभुज बना रहा, ना ये समद्विबाहु बना रहा, ना ये समबाहु बना रहा, कुछ भी नहीं। ये क्या बना रहा है? ये विषमबाहु है।
तो क्या लगाएंगे कौन सा फॉर्मूला? या तो हमारे पास आधार गुणे ऊंचाई होती तो मैं लगा देता, आधार गुणे ऊंचाई नहीं है तो मेरे भाई बताओ मैं क्या करूं। सर जी आप हेरोंस फॉर्मूला लगा दीजिए। हेरोंस फॉर्मूले के लिए हमें क्या चाहिए? सेमी पेरीमीटर चाहिए। भैया घटा दो, यानी कि जब मैं करूंगा 6 4 10 3 13 तो 13/2, तो दैट मीन 13/2 को आप ऐसे ही छोड़ दो, 13/2 को हेरोंस फॉर्मूला लगाओ, अंडर रूट भाई 13/2, और भैया 13/2 में से अगर 3 घटा, चलो इसको घटा ही लो यार, तो जाएगा 6.5, मतलब डिवाइड कर लिया तो 6.5 का मतलब क्या हो गया 3.5। आगे क्या मेरे भाई, 4 अगर घटाएंगे तो 25, मतलब 2.5, 6 घटाएंगे तो भैया 0.5, ठीक है। तो भाई सब देखना, यहां हो जाएगा 13, यहां हो गया 2/2, क्लियर है। तो आइए भाई देखो, 25 सबको 10-10 कर दो, 35/10 गुड़े 25/10 गुड़े 5/10। आप बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए भाई? 25 तो बाहर निकल जाएगा सीधे 5 के रूप में, यहां देखो 5 7 35, 5 5 का जोड़ा 12 मेरे भाई, ये भी निकल जाएगा बाहर। बचा क्या? बचा मेरे भाई रूट, अच्छा 10 भी बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और यहां से कॉमन लिया 2 भी बाहर निकल जाएगा। तो बचा क्या मेरे भाई? बचा सिर्फ 13 और 7, 13 7 91 और बटा मेरे भाई 5, यही बचा हुआ है, बाकी सब बाहर है। तो आप ये बात जानते हो, 5 से काटेंगे 5 2 10 हो जाएगा, 5 2 10 हो गया, 2 2 4 हो गया, यानी कि इसकी जो आंसर आएगा वो आएगा 5/4 √91/5, क्लियर भाई? हाँ, बाकी ये सॉल्व नहीं होगा, क्लियर है। यानी कि इसका क्षेत्रफल फिर क्या होगा? 5/4 √91/5, क्लियर है ना। चलिए अगला सवाल देखो, कह रहा भाई 6 8 6 10, भैया 8 6 10 याद रखिए, उसमें कोई चीज कॉमन है। हमने आपसे सबसे पहले ही कहा था, जब मैं आपको समकोण त्रिभुज पढ़ा रहा था, मैंने कहा रेशियो ले लो सबसे पहले, तो भैया रेशियो लेंगे देखो 6 8 10 लिख लीजिए भाई। अगर आपको याद हो तो 6 8 10 ट्रिपलेट बनाता है, नहीं याद है तो आ जाओ भाई, 2 का भाग दे देंगे तो भैया 3 4 और 5, बताओ 3 4 5 क्या बनाता है? सर जी ट्रिपलेट बनाता है कि नहीं बनाता? बिल्कुल बनाता है। तो ये ट्रिपलेट बनाएगा नहीं बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा मेरे भाई। अच्छा बताओ 9, मैं यहां पे 4 का गुणा कर दूं, 9 हुआ यहां पे, मैं 3 3 4 12, बताओ ये ट्रिपलेट बनाएगा कि नहीं बनाएगा? सर जी ये भी ट्रिपलेट बनाएगा, इसमें 4 का गुणा कर दो भाई, इसमें 4 का गुणा कर दो, तो भैया 4 3 12 4 4 16, ये बनाएगा सर जी, ये भी ट्रिपलेट बनाएगा भाई, मल्टीपल्स भी ट्रिपलेट बनाते हैं याद रखना। तो ये 2 का मल्टीपल था, ये 3 का मल्टीपल, ये 4 का मल्टीपल, तो मल्टीपल्स भी ट्रिपलेट बनाते हैं, और जैसे ही ट्रिपलेट आ जाए तो आप समझ जाइए कि भैया समकोण त्रिभुज है ये। समकोण त्रिभुज का मतलब क्या है मेरे भाई? सबसे बड़ी भुजा तो इधर होगी, बाकी 6 और 8। अब समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है मेरे दोस्तों, वो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 ये हो गया, आधार हो गया आपका 6, ऊंचाई हो गया मेरे भाई आप जानते हो 4 6 24, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना भाई, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट अगला सवाल है, हाँ बहुत ही प्यारा सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डालिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 16√3 है, 16√3 है, यानी क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता है। तो भैया आपसे पूछ रहा है क्या, ऊंचाई बताइए, सबसे पहले भुजा तो निकालिए। अच्छा भाई भुजा निकालने का फॉर्मूला हम जानते हैं, ये क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल का फॉर्मूला ही होता है √3/4a2। आप बात समझ पाए होंगे तो आप ये बात जानते हैं कि ए की वैल्यू हो जाएगी 8, ए की वैल्यू हो जाएगी मेरे भाई 8, क्लियर है, ए की वैल्यू हो जाएगी 8। अब आपसे पूछ रहा है कि ऊंचाई बताओ भाई साहब, ऊंचाई यानी कि एच ई आई, हाइट का हमने फॉर्मूला आपको लिखा रखा है, बता रखा है क्या, अगर आप जानते हैं तो भैया √3/2a, क्लियर है, ए की वैल्यू क्या है मेरे भाई 8, तो √3/2a भाई ये कट जाता है, यानी कि 4√3 मेरे भाई क्या होता है, इसकी ऊंचाई हो जाती है 4√3 मेरे भाई, इस सवाल में आंसर हो जाएगा, यानी कि त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी 4√3। चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल कह रहा भाई किसी त्रिभुज की भुजाएं, अच्छा जी भुजाएं नहीं ऊंचाई याद करो, भुजाएं नहीं त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो है कितना, वो 36√3 है। तो आपसे पूछ रहा है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बताइए, ठीक है भाई ऊंचाई बताइए, कह रहा है अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है √3/4
ये तो गया ये 6 और 2 12 ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। ए की वैल्यू क्या होगी 12। आपसे कह रहा ऊंचाई एच ई आई जी एस टी हाइट, हाइट बराबर √3/2 ए। तो भाई √3/2 और ए का वैल्यू है 12 तो काट देंगे भाई आ जाने की 6√3। तो हाइट क्या आ गई, हाइट मेरे दोस्तों यहां से आ जाती है 6√3। तो देखिए जी यहां आप ये बात जानते हैं कि हमने आपको समकोण त्रिभुज पढ़ा दिया, हमने आपको पूरा ये भी ट्रायंगल पढ़ा दिया। अब आप पढ़ेंगे तो त्रिभुज की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे और त्रिभुज से रिलेटेड जितने परिमेय होते हैं वो आप देखेंगे, क्योंकि लेखपाल और यूपी कांस्टेबल के लिए ये वीडियो बहुत जरूरी है और ये सारी चीजें आपको उसमें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक, वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, साथ साथ कमेंट जरूर करिए और बताइए क्या क्या चीजें आपको और पढ़नी है। आज के लिए इतना ही मेरे भाई, थैंक यू वेरी मच।